चीजों को देख चुकी है और कोडरमा की जनता ऊब चुकी है इस तोतली बातों से। तो कोडरमा की जनता इस बार शालिनी गुप्ता के संघर्ष को सल्यूट करती है, सल्यूट। शालिनी गुप्ता ने पिछले 6-7 सालों में जनता से जुड़ के, उनके भावनाओं से जुड़ के, इस सक्रियता से, संवेदनशीलता से जनता के बीच में रहने का काम किया है। जनता पर शालिनी गुप्ता का कर्ज है और ये कर्ज उतारने का समय आया है कि लोग शालिनी गुप्ता को इतना वोट दें जो शायद इमेजिन आज तक किसी प्रत्याशी को कोडरमा विधानसभा में नहीं मिला होगा। वो जनता का आप कर्तव्य बनता है कि शालिनी गुप्ता के संघर्ष को, उसका उसका उसकी मजदूरी है उसको। कुछ दिन पहले ये चर्चा फैली, ये फैलाया गया कि शालिनी गुप्ता भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी बनना चाह रही है, जबकि सच्चाई ये है, मैं जानता हूँ, जितना करीब से शायद कोई जानता होगा, इस मामले में शालिनी गुप्ता ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ आंख उठा के नहीं देखा, ना तो कोई प्रयास किया। शालिनी गुप्ता को रिजाइन भी करना पड़े तो कर सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट नहीं करेगी। मुस्लिम समुदाय से हैं, लेकिन शालिनी गुप्ता पर एक आरोप लगता है कि वो मुस्लिम विरोधी हैं, सांप्रदायिक बात बोलते हैं, ऐसा आरोप लगता आया है पूर्व में, तो क्या कुछ कहेंगे? क्या इस बार उसके साथ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं और जो उन पर आरोप लग रहा है, क्या कुछ कहेंगे? निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नॉमिनेशन फाइल करने आई है, कुछ जो उनके साथ हमेशा रहते हैं, जो वो पूर्व में भी चुनाव लड़ चुके हैं, लल्लू जी उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं। शालिनी जी का मुकाबला मोदी जी से है, हेमंत सोरेन से है, तेजस्वी यादव लालू यादव से है, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी से है, कैसे मुकाबला कर पाएंगे इतने बड़े बड़े पार्टियां और इतने बड़े बड़े नेता से? देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में जनता के लिए एक बहुत ही बड़ा प्रावधान रखा है कि जब चुनाव होता है तो जनता मालिक होती है और जनता को ये मौका दिया जाता है कि अपने मन के प्रतिनिधि को अपने हिसाब से चुने। यहाँ लड़ाई किसी से नहीं है, यहाँ जनता बनाम सत्ता की लड़ाई है और जनता कोडरमा में चाहे विकास के झूठे आश्वासन हो, विकास की झूठी गाथा हो, ये सारी चीज़ों को देख चुकी है और कोडरमा की जनता ऊब चुकी है इस तोतली बातों से। तो कोडरमा की जनता इस बार शालिनी गुप्ता के संघर्ष को सल्यूट करती है, सल्यूट। शालिनी गुप्ता ने पिछले 6-7 सालों में जनता से जुड़ के, उनके भावनाओं से जुड़ के, इस सक्रियता से, संवेदनशीलता से जनता के बीच में रहने का काम किया है। जनता पर शालिनी गुप्ता का कर्ज है और ये कर्ज उतारने का समय आया है कि लोग शालिनी गुप्ता को इतना वोट दें जो शायद इमेजिन आज तक किसी प्रत्याशी को कोडरमा विधानसभा में नहीं मिला होगा। वो जनता का आप कर्तव्य बनता है कि शालिनी गुप्ता के संघर्ष को, उसका उसका उसकी मजदूरी है उसको दें। अभी पूर्व में मजबूती के साथ चुनाव लड़ते आए हैं कोडरमा विधानसभा से, तो क्या लगता है अभी तक जो कोडरमा में बदलाव होना चाहिए, जो आप चाह रहे थे वो आप शालिनी गुप्ता के रूप में आप उन्हें आगे बढ़ा रहे हैं, तो क्या क्या विजन था आपका और जो अभी तक पूरा नहीं हो पाया वो? देखिए, कोडरमा, ये चुनाव कोडरमा का भविष्य तय करेगा, न सिर्फ विकास का भविष्य तय करेगा बल्कि कोडरमा की राजनीति किसी मुट्ठी में, पंजे में, नाखून के पंजे में बंद है या जनता ने उसको छुड़ा दिया। शालिनी गुप्ता जो मुट्ठी में नाखून से राजनीति को बंद करके रखा गया है उसको छुड़ाने का काम कर रही है। शालिनी गुप्ता यकीनन एक एमएलए बनेंगी, लेकिन कोडरमा को बहुत बड़ी मुक्ति मिलने वाली है शालिनी गुप्ता के जीत के रूप में। अच्छा, आप एक मुस्लिम समुदाय से हैं, लेकिन शालिनी गुप्ता पर एक आरोप लगता है कि वो मुस्लिम विरोधी हैं, सांप्रदायिक बात बोलते हैं, ऐसा आरोप लगता आया है पूर्व में, तो क्या कुछ कहेंगे? क्या इस बार उसके साथ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं और जो उन पर आरोप लग रहा है, क्या कुछ कहेंगे उसको लेकर? देखिए, शालिनी गुप्ता ने दो जुमले बोले, लगभग 6 साल हो गए हैं उस दो जुमले को, और इस्लाम ये कहता है कि माफ करने वाला आदमी बहुत बड़ा होता है। इस्लाम की ये तालीम है, अल्लाह ये कहता है कि जो माफ करने वाला होता बड़ा होता है, और वो दो जुमले शालिनी गुप्ता के संघर्ष को, शालिनी गुप्ता की विश्वसनीयता को हिला नहीं सकते हैं। और मुस्लिम कोडरमा के मुसलमानों ने माफ़ नहीं किया है, बल्कि शालिनी गुप्ता ने जो 5 सालों में मुस्लिम समाज से जुड़ के संवेदनशीलता से उनके सवालों को उठाने का, उनके लिए काम करने का काम किया है, तो मुस्लिम समाज सिर्फ माफ़ नहीं कर रहा, बल्कि मुस्लिम समाज अब ये समझ रहा है कि हमको शालिनी गुप्ता को मदद करके अपने लिए कई रास्ता खोलना है। लेकिन जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे तब शालिनी गुप्ता
एकदम साइलेंट थी। क्या रुझान है इंडिया गठबंधन की तरफ, उनका रुझान है एनडीए गठबंधन, जो उनका विचारधारा क्लियर नहीं हो पा रहा उनका। देखिए, शालिनी गुप्ता एक व्यक्ति है जो अपने आप को सेकुलर पार्टियां कहती हैं, उनके मतदाता कहाँ थे? आपने आकलन किया? आपने देखा होगा कि इंडिया गठबंधन के नाम पर सेकुलर जमात कहने वाली, मुसलमानों के वोट का दंभ भरने वाले लोग उस वक्त क्या कर रहे थे? शालिनी गुप्ता ने अगर खामोशी इख्तियार किया था तो अपने मतदाताओं को वो छोड़ दिया था, अपने मतदाता फ्री कर दिया था कि उनके मतदाता अच्छे प्रत्याशी के रूप में, और दिया है। जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को वोट मिला वो कोडरमा विधानसभा में ज्यादा से ज्यादा वोट, आज जो शालिनी समर्थक है उन्हीं का वोट है। और जो लोग इंडिया गठबंधन का दम्भ भरते हैं, इंडिया गठबंधन की बात करते हैं, उनके समर्थक कहाँ खड़े थे आप सब जानते हैं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं। चर्चा ये रहती है कि जितने भी शालिनी गुप्ता के समर्थक हैं वो बीजेपी के भी समर्थक हैं, और चुनाव जीतने के बाद अगर शालिनी गुप्ता जी को मौका मिलेगा, चुनाव जीत कर पहुंचेंगे तो बीजेपी के साथ मिल जाएंगे, ऐसी चर्चा है। देखिए, चर्चा क्या है उसके बाद छोड़ दीजिए। शालिनी गुप्ता एक निर्दलीय प्रत्याशी है, शालिनी गुप्ता एक कमजोर समाज से आती है, शालिनी गुप्ता ने 5 साल संघर्ष किया है, और आप यकीन जानिए भारतीय जनता पार्टी हो या कोई और हो, ये चर्चाएं फैलाने का काम है। कुछ दिन पहले ये चर्चा फैली, ये फैलाया गया कि शालिनी गुप्ता भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी बनना चाह रही हैं, जबकि सच्चाई ये है, मैं जानता हूं जितना करीब से शायद कोई जानता होगा, इस मामले में शालिनी गुप्ता ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ आंख उठा के नहीं देखा, ना तो कोई प्रयास किया। तो शालिनी गुप्ता, और मैं ये आश्वासन देता हूं, मैं अपनी समझ बूझ, अपने राजनीतिक समझ और तमाम चीजों के भरोसे मैं कोडरमा की जनता को यह आश्वस्त करता हूं कि शालिनी गुप्ता को रिजाइन भी करना पड़े तो कर सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट नहीं करेगी। शालिनी गुप्ता जिंदाबाद। जिस समुदाय से आप आते हैं, अल्पसंख्यक समुदाय से, उनका रुझान ज्यादातर ये रहता है, वोटिंग जो रुझान देखा जाता है, जो बीजेपी को हराते हैं उन्हीं को वोट करते हैं। देखिए कोडरमा, देखिए कोडरमा विधानसभा में बीजेपी को हराना कोई सब्जेक्ट नहीं है, मुस्लिम समाज बहुत जागरूक है। कोडरमा इस चुनाव में, कोडरमा में सच्चे जनप्रतिनिधि जन पक्ष के राही, सत्ता पक्ष के राही को रिजेक्ट कर रही है कोडरमा की जनता, खास करके मुस्लिम आवाम, और जन पक्ष पे चलने वाले शालिनी गुप्ता को समर्थन दे रही है जनता। चलिए, क्या लग रहा है इस बार मुस्लिम समुदाय? आप लोग जैसे एक बात बोले कि कुछ रूमर फैलाया जा रहा है पिछले उनका जो वक्ता था उनके लेकर के, तो उसके बाद कोरोना काल आया, ठीक है। तो कोरोना काल में मेरा एक दोस्त को कोरोना स्प्लिट हो गया, उसको ऑक्सीजन की जरूरत थी। कोडरमा जिला में हजारीबाग में भी ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन उपायुक्त महोदय ने कहा हमको कि शालिनी मैडम के पास में ऑक्सीजन है, अगर आप उनसे बात कर सकते हैं तो कीजिए। हमने सिर्फ उनको बोला फ़ोन करके कि मैडम ऐसा ऐसा बात है, मेरा एक दोस्त है इत्तेसाम खान, उसको ज़रूरत है। उन्होंने तुरंत कहा कि आप सीधे भेजिए उसको डुमचांच हॉस्पिटल में, वहाँ उनका बेड रेडी रहेगा। उसके बाद जितने पूरे जिला में जितने भी मुस्लिम समाज के लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, हमने फ़ोन किया और उनका हॉस्पिटल में बेड रेडी रहता था। तो मुस्लिम समाज से हम लोग अपील कर रहे थे, हम लोग इनका पक्ष में हैं। क्या मुस्लिम समाज उन्हें शालिनी गुप्ता जी को माफ कर दिया? उनका कर्जदार हम लोगों के कोरोना काल में, और इस बार हम लोग अपना कर्ज उतार देंगे शालिनी गुप्ता को जिताने के बाद, यही हम लोग है। मौलाना साहब दिख रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या इस बार जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, लगातार जो शालिनी गुप्ता जी पर आरोप लगता था, क्या इस बार अल्पसंख्यक समुदाय के लोग शालिनी गुप्ता जी के साथ रहेंगे? देखिए, कोडरमा का जो सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त अभी है कि आज 15 साल या 10 साल से कोडरमा बेरोजगारी के रास्ते पे यहाँ की आवाम बहुत ज़्यादा है, और चाहे वो अकलियत हो, चाहे गरीब तबका को हो, चाहे वो मुसलमान हो, कोई भी कौम हो, एक रोज़गार, एक शिक्षा, एक अच्छी नौकरी की तलाश में रहता है हमेशा, चूँकि कोडरमा बेरोजगारी के मामला में बहुत आगे है। और ये उम्मीद जो है एक शालिनी गुप्ता से लोगों का बना हुआ है। देखिए, कुछ इशू बनाया जाता है, लोगों को लड़ाने का काम किया जाता है, आज से 7 साल क्या बोली नहीं बोली उसको इस वक्त लाना बेहतर बात नहीं है, चूंकि हम लोग उस बिरादरी से चुनाव में आएंगे तो चर्चा। जी जी, चुनाव में आप लाइए, लेकिन हम लोग उस बिरादरी में से आते हैं कि एक दूसरों की गलतियों को माफ करना जानते हैं। हमारे रास्ते में अगर पत्थर होता है तो हमें ये सबक मिलता है, शिक्षा मिलता है कि उस रास्ते से कांटे को हटा दिया जाए, पत्थर को हटा दिया जाए। और आज तक देखेंगे आप कोडरमा विधानसभा में कि एक परिवर्तन का जो लहर होनी चाहिए
बहुत जरूरी है, चूंकि अगर एक घर में चार लड़के हैं और चार लड़के में अगर एक ही लड़का को बार बार डॉक्टर बनाया जाए, बार बार उसी को इंजीनियर बनाया जाए और छोटे बच्चे को या तो दूसरे को नजरअंदाज किया जाए, तो ये हमारे समझ से नहीं बल्कि पूरे तबके के लोग, चाहे वो दलित समाज के हो, कौम को कहीं से भी हो, हर कोई चाहता है बारी बारी सबको मौका मिलना चाहिए। हमारे अंदर क्या है कि जिसको मिल रहा है वो मिल रहा है, जो खा रहा है वो खा रहा है। आज जो है पैसों की बारिश होती है, आज नोट लेकर के लोग ओढ़ देते हैं, ये कौन नहीं जानता है, हर आवाम लोग जानती है कि पैसा लो। और लोग कहते हैं कि एक दिन में एक रात में, ये नेते लोग कहते हैं, लेकिन ऐसे में से शालिनी गुप्ता नहीं है, पढ़ी लिखी शिक्षित व्यक्ति है। मैं चाहता हूं कि मैडम इस वक्त कामयाब होगी और बहुत अच्छा मतों से वो कामयाब होगी।